गेमर्स, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्नाइपर गोस्ट वॉरियर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे प्ले करना है और उसका गेम इंटरफेस क्या होगा और क्या ये गेम वर्थ इट है परचेज करने के लिए या प्ले करने के लिए। लेट्स सी। देखिए, जब हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं तो हमारे पास चार मेन्यू सेक्शंस मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, लोड आउट, जर्नल, सेटिंग्स। अब हम एक एक करके गो थ्रू करेंगे सारे में है क्या एक्चुअल में चीज़ें। कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें इधर पांच कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं टोटल, और हर एक पांच कॉन्ट्रैक्ट्स में फाइव एक्स्ट्रा मिशंस होंगे, तो टोटल मिला के हमारे पास 25 मिशंस होते हैं। अब बारी आती है कि इस चैलेंज को करने के लिए हमारे पास लोड आउट हथियार क्या होते हैं, वेपन्स क्या होते हैं। लोड आउट पे जाते हैं। लोड आउट पे हमारे पास जो मेन प्राइमरी वेपन होता है वो स्नाइपर राइफल होता है, बिकॉज गेम ही है स्नाइपर का, स्नाइपिंग का। तो मेन जो हमारा प्राइमरी वेपन होगा वो स्नाइपर होगा। सेकेंडरी में असॉल्ट राइफल आता है, और शॉर्ट रेंज के लिए हमारे पास पिस्टल्स आती हैं। और बाकी जो गैजेट्स होते हैं वो आपको खुद डिसाइड करने पड़ते हैं कि आप इन्वेंट्री में क्या लेना चाहते हो, मेडकिट लेना चाहते हो, फ्रैग ग्रेनेड लेना चाहते हो, या जो भी है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ इनको कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं या आप इनको कैसे कन्फिगर करेंगे। प्राइमरी वेपन पे आते हैं, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, वैसे तो इधर सेटिंग्स का बटन दिया हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे वेपन्स मिलेंगे। आपको ये सारे स्नाइपिंग राइफल्स ही हैं। जो डिफ़ॉल्ट में मिलता है हमें वो हब 93 या एमओर होता है। अब ये चीज़ें जो हैं, ये जितने भी रेड रेड पे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने परचेज की हैं पहले कैश के थ्रू। बट वो कैश आपको कैसे मिलेगा, डिफ़ॉल्ट में जब आप स्टार्ट करते हो गेम तो आपके पास कैश नहीं होता है। आपको कैश वो अर्न करना होता है मिशंस कंप्लीट करते करते। जैसे जैसे आप मिशंस और बाउंटी मिशंस और साइड मिशंस होते हैं वो कंप्लीट करोगे, आपके पास धीरे धीरे ये कैश, देख लो आप इधर राइट हैंड साइड पे, वो कैश आपके पास जनरेट होता रहेगा, और देन फिर आप वो चीज़ परचेज कर सकते हो। इसमें जो सबसे डेडली वेपन होता है वो स्टर्म प्रिसिशन राइफल होता है, जो बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है इसमें। अब इन सबको आप, मैं बताता हूँ कि इन सबको आप असेंबल कैसे करोगे, या इनको हर एक सेपरेट गन को आप कन्फिगर कैसे करते हो। इसमें मेरी गन अभी ये है, अब ये चीज़ सिलेक्टेड है इधर, जो भी गन के ऊपर रेड हो जाता है वो सिलेक्टेड गन होती है। अब मैं इस पर एक्स क्लिक करूँगा तो ये सारी असेंबली लाइन आ जाएगी इस गन की। इसमें आप ऑप्टिक्स चेंज कर सकते हो या परचेज कर सकते हो, इसमें चेंज सारा कुछ कर सकते हैं, बट वो हमें एक कैश देना पड़ेगा जिसके लिए हम, जिससे हम परचेज कर पाए। अब जैसे आप ये देख रहे हो SNB PM सेकेंड, तो ये $18,000 का है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब मिलेंगी जब आप प्ले करते जाओगे। तो मेरे पास, मुझे जो भी चीज़ इसमें सही लगी, जैसे इसमें 2x6x10x की जूम रेंज है, इसमें मुझे 2x10 की दो ही रेंज मिलती है, तो इसलिए मैंने इसको परचेज नहीं किया, मैंने इसको परचेज किया। ऐसे ही आप जाके सारे गन में असेंबली लाइन चेंज कर सकते हो। गन में बेसिकली क्या क्या आप असेंबल कर सकते हो, ऑप्टिक्स, मैगजीन साइज़ आपको बढ़ानी है वो बढ़ा सकते हो, बैरल लगानी है कि नहीं लगानी, साइलेंसर लगाना है कि नहीं लगाना। अगर साइलेंसर नहीं लगाओगे, अगर आप एक शॉट करते हो तो वो एक्टिव हो जाते हैं एनिमीज़, और उनको पता लग जाता है बुलेट्स कहाँ से फायर हुई है, और फिर आप मिशन कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि आप बच ही नहीं पाओगे। कैमो मतलब होता है गन का जो है स्किन कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आप गन की स्किन इधर चेंज कर सकते हो, ये भी परचेजेबल है फ्री में। मेरे ख्याल से ये चार स्किन्स मिलती हैं हमें, बट जो अच्छी और प्रीमियम रेंज में आती है वो हमें परचेज करना होता है। मैंने ऑलरेडी की हुई है, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये कैमोफ्लेज डाल दिया था इस पर। अब इसमें हमारे पास बुलेट्स भी बहुत तरीके की आती हैं। स्पेशल एमओ आती है, स्पेशल एमओ 1 आती है, स्पेशल एमओ 2 आती है। स्पेशल एमओ जो एमोनिशन जो होती है इसमें बहुत तरीके की होती है। एक स्पेशल एमओ की बात करूँ तो इसमें डार्पा बुलेट्स होते हैं, जिसमें आप एक बार टारगेट को टैग कर दोगे तो इससे मैटर नहीं होता आपको कि वो टारगेट आपके आपके स्कोप पे अभी भी सेट है कि नहीं है, बस आप जैसे ही फायर करोगे वो टारगेट टैग टारगेट को ही लगने वाला है वो बुलेट। तो इसके लिए आपको एग्जैक्ट टारगेट पे स्कोप लगा के देखने की ज़रूरत नहीं होती। एक मतलब इसको बोलते हैं कि एम टैग एंड फॉरगेट वाली चीज़ होती है इसमें। एक बार टैग किया, जैसे ही फायर किया आपने, वो बुलेट उसके पास जानी जानी है, उसे हिट करनी ही करनी है। दूसरी बुलेट होती है आर्मर पायरसिंग बुलेट, जो वॉल्स को तोड़ती भी जाती है, और वॉल के पीछे अगर जो भी होगा वो उसको हिट कर देगी। अब हम आते हैं असॉल्ट राइफल में। जैसे स्नाइपर राइफल में वैसे असॉल्ट राइफल में भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें अपने अकॉर्डिंग देखना है कि एमओ कैपेसिटी क्या है, मोबिलिटी क्या है, क्या क्या हमें चीज़ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उसको परचेज कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास एक गन।
पिस्टल बोल सकते हो। इसमें भी हम आपको, इसमें भी आप ऐसे ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप रेड डॉट चाहिए कि आपको बैरल लगाना है कि नहीं, साइलेंसर चाहिए, क्योंकि आप, क्योंकि ये स्नाइपिंग राइफल का गेम है और ये बहुत ही मतलब स्नीक वाला गेम है, मतलब इसमें थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको बुलेट्स, ज़्यादातर आपको पिस्टल्स और जो भी आपके पास राइफल्स होती हैं उसमें आपको साइलेंसर वाली चीज़ लगानी ही पड़ेगी। इसका एक बस इस गेम का एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज वो है कि आप इसको लोड आउट को अभी ही असेंबल कर सकते हो, गेम के अंदर इन गेम असेंबली नहीं कर सकते। उसमें आपके पास वेपन व्हील आती है जिसमें आप वेपन्स केवल सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी वेपन यूज़ करनी है, बट आप असेंबल नहीं कर सकते उसमें। तो जो भी असेंबली होगी आपको स्टार्टिंग, कोई भी मिशन स्टार्ट करने से पहले आपको तभी करनी होगी। अब जैसे इसमें मैंने ये सारे ऑप्शंस लिए हुए हैं, ये पूरी लिस्ट जो है ये गैजेट की लिस्ट होती है, इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है वो आपको देखना। अब मैं एक क्लिक करता हूँ जैसे, तो इसमें मेरे पास गैजेट की लिस्ट में मेरे पास फ्रैग ग्रेनेड है, मेड किट है, वार्निंग डिवाइस है। जैसे आप किसी बिल्डिंग में हो तो आप एक वार्निंग डिवाइस आप अगर डोर के अंदर या डोर के पास लगा देते हो, आपको पता लगता है कि आर्मी उधर से आ रही है आपको हिट करने के लिए कि नहीं आ रही है। तो ये आपको बज करके बता देगा कि उस लोकेशन पे जहाँ पे आपने लगाया था इसको, वहाँ पे मूवमेंट हो रही है और आपकी तरफ कोई बंदा आ रहा है बढ़ने के लिए। एंटी टैंक माइन वही होता है कि कोई भी आपको लगे कि उस एरिया से जहाँ से आप गए हो या जाना चाहते हो, उस पाथवे से अगर आपका रास्ता रोकने के लिए कोई भी टैंक या कुछ भी, कोई भी व्हीकल आ सकता है, तो आप एंटी टैंक माइन लगा दोगे ताकि वो आने से पहले ही जैसे उसके ऊपर से निकले वो ब्लास्ट हो जाए। बाउंसी बैटी भी एक फ्रैग ग्रेनेड की तरह ही होती है, बट इसमें स्प्रिंकल्स होते हैं बहुत सारे जो कुछ कुछ हाइट पे जाके अपने आप ही बाउंस करके फटते हैं। फिर ईएमपी ग्रेनेड हुआ, ईएमपी ग्रेनेड होता है जो लेज़र ले ऑटोमेटेड वेपन्स होते हैं, मूवमेंट कैप्चर करके फायर कर देते हैं खुद ब खुद, उनको आप ईएमपी ग्रेनेड से कुछ देर के लिए या डिजेबल कर सकते हो। गैस माइन ट्रैप हो गया, जैसे आपको लगता है कि बहुत एक रूम में, किसी रूम में या किसी डोर को क्रॉस करके आपकी तरफ बहुत सारे बंदे आने वाले हैं और आपकी लोकेशन पता लग चुकी है, तो आप उस लोकेशन को सिक्योर करने के लिए उसकी जो एंट्री पॉइंट है उस पर आप गैस माइन ट्रैप लगाओगे, तो जैसे ही उसके ऊपर से कोई गुजरेगा ये खुद ब खुद एक्टिव हो जाती है और सारे एक एरिया को कवर करके बहुत ही बिना आवाज़ किए हुए वो सारे लोगों को किल कर देती है। सेम गैस ग्रेनेड भी वो उसी की तरह है। RWSSR जो होती है राइफल, वो होती है एक स्नाइपर राइफल होती है, बट ये ऑपरेट करती है रिमोटली। तो रिमोटली मतलब जैसे आप अभी कोई भी मिशन कंप्लीट करोगे या प्ले करोगे तो उसमें आपके पास, आप केवल सिंगल मैन काम करोगे, आपके पीछे कोई भी स्क्वाड नहीं होगा। बट जब ये आप गन परचेज कर लोगे तो आप एक टू स्क्वाड की तरह काम करोगे। आप इस गन को 50 मीटर दूर कहीं ऊंची जगह पे या कहीं पे भी आप असेंबल कर देते हो तो वो आपके रिमोट में होता है, मतलब आप उस हाइट से भी एक्स्ट्रे एक्स्ट्रा दो टारगेट टैग करके उसको स्नाइप कर सकते हो और अपने थ्रू भी आप स्नाइप कर सकते हो। तो इस गन को भी अगर आप परचेज करोगे तो इस गन में भी असेंबली लाइन होती है जिसमें आपको साइलेंसर और मैगजीन कितनी लेनी है, कितने टारगेट टैग कर सकते हो, ये सारी कैपेसिटी आप कैश के थ्रू ही परचेज कर सकते हो। स्टार्टिंग में जो होता है आपके पास बिना साइलेंसर वाली गन होती है जिसका कोई यूज़ नहीं लगता मुझे, क्योंकि आप जैसे ही टारगेट को हिट करोगे उनको लोकेशन पता लग जाएगा और बैक फायर करेंगे। ड्रैगन ऑफ जो होता है वो मिलिट्री एरियल व्हीकल होता है जिससे आर्मी की लोकेशंस और आर्मी को टैग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या जो भी स्नाइपर राइफल में हम जो भी स्नाइपर मिशंस करेंगे उनमें ये काफ़ी यूज़फुल होता है। फ्लैश ग्रेनेड और स्मोक ग्रेनेड इज नॉर्मल, और डिकॉय ट्रैप भी वही होता है कि जब आप लॉन्ग रेंज में ऑडियो रेडियो ट्रिगर करेगा, और ये एक तरीके से आर्मी को, किसी भी आर्मी को एनिमी जो होता है उसको बताएगा, मतलब एक तरीके से बताएगा कि उधर आवाज़ हो रही है, आप उधर मूवमेंट करो। अगर आपके पास कोई आर्मी आ रही है और आपने बहुत कहीं और डिस्टेंस पे लगाया हुआ ये चीज़, तो आप उनको डिफ्लेक्ट करने के लिए उधर आप उसको पुश करने के लिए आप जब ये चीज़ यूज़ करते हो, यूटिलाइज करते हो, तो इसमें से जो आवाज़ निकलेगी तो उनको लगेगा आर्मी को कि उधर से आवाज़ आ रही है और उधर कोई मूवमेंट हो रही है, वो उधर मूव कर जाएंगे और आप ऐसे बच जाते हो। एक्सप्लोसिव आपको पता ही है, C4 एक्सप्लोसिव गाड़ी को उड़ाने के लिए। एड्रेनलिन पैक वही हुआ कि आपका जो बूस्ट करने के लिए होता है हेल्थ और सीरीज बॉन्ड्स को।
तो ये आपको लोड आउट वाला सेक्शन हो गया। आप जर्नल में आते हैं, जर्नल में ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्यूटोरियल बेस्ड होती है। ट्यूटोरियल है, कॉन्ट्रैक्ट टारगेट्स है, कलेक्टिबल्स है, स्टैटिस्टिक्स है। ट्यूटोरियल पे आते हैं तो हमारे पास एक ये बताता है कि हमारे पास मैप किस तरीके का है, क्या क्या रीजन मैप्स होते हैं, ट्रैक द प्रोग्रेस क्या क्या हमें करना है। मास मोड्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको AR मास्क मिलता है, ऑगमेंटेड रियलिटी वाला। तो जब आप उसको प्रेस करते हो वो आपको एरिया बता देते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और कहाँ कहाँ आप क्लाइम कर सकते हो, बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें। हेल्थ एंड स्टेमिना बार हो गया, स्नाइपर राइफल गैजेट्स हो गई है, मिली कॉम्बैट कैसे करना है वो पता रहेगा। यही मैं बात कर रहा था वेपन व्हील की एंड एमो टाइप्स। आपको यही वेपन व्हील इन गेम में मिलेगा, बट आप इसमें कोई भी असेंबली नहीं कर सकते इन गेम में। मतलब जो लोड आउट आपने पहले स्टार्टिंग में असेंबली कर ली है राइफल्स की, उसके अलावा आप इन गेम में असेंबली नहीं कर सकते। ये मुझे थोड़ा डिसएडवांटेज लगा क्योंकि क्राइसिस में हम लोग इन गेम असेंबली कर सकते थे, राइफल पे साइलेंसर यूज़ कर सकते थे, स्कोप चेंज कर सकते थे, या जो भी होती है बहुत सारी चीज़ें होती वो हम यूटिलाइज कर सकते थे, बट इधर नहीं कर सकते। इसमें एनिमी टाइप्स होते हैं, आपको ये जितने भी हेड के ऊपर ये सारे लोकेशन मार्क्स दिख रहे हैं जितने भी, उसके अलग अलग रीज़न होते हैं। उसमें ये है होता है कि मार्क्समैन कौन है, राइफलमैन कौन है, हैवी सोल्जर कौन है। हैवी सोल्जर ये वाले सोल्जर होते हैं जिनके ऊपर मैं आप देख रहे हो ना, ये इनकी नज़र से ज़्यादातर दूर रहना पड़ेगा क्योंकि जब ये देख लेंगे एक बार तो ये इनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स होती हैं, SMGs होती हैं, और वो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं और आप जल्दी ही वो हो जाओगे, डेड हो जाओगे। हर्ड इन्फॉर्मेशन में आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो ये देख सकते हो। इन्वायरमेंट इंट्रैक्शंस, ये जब आप यूज़ करोगे इसको तो आपको पता लग जाएगा कि किस इन्वायरमेंट को यूज़ करके आप अपने एडवांटेज में ले सकते हो। जैसे ये जो है ये बैटरी होती है, तो आप उधर की जो होती है जनरेटर्स को और फ्यूज बॉक्सेस को उड़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। एक्सफिल्ट्रेशन लोकेशन होती है, ये जब आप मिशन कोई भी कंप्लीट करोगे तो आपके पास लोकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए। वेपन शॉप एंड मॉडिफिकेशन, ये आपको पता ही है, ये एक स्टांसेस जानने का बहुत अच्छा तरीका है। जब आप किसी के पीछे हिडन हो जाते हो तो ये आपको मार्क बताता है कि आप किस हद तक उसके पीछे हाइड हो चुके हो, मतलब किसी भी एनिमी को आप दिखाई नहीं पड़ता। अगर आप इस बेसिस पे होते हो तो इसका मतलब है कि आप आर्मी को फिर भी दिखाई दे रहे हो, बट जब आपका हर्ड पे ये चीज़ दिखाई देती है इसका मतलब है कि आपको एनिमी बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है, तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वेपन स्टैटिस्टिक्स आपको पता ही है, एनिमी टैग्स आपको एनिमी कैसे टैग करने वो पता है, इनमें से आपको पता लग जाएगा। देखो वाइट जिस पे होता है वो आइडल एनिमी होता है, जिसके ऊपर रेड ब्लिंक करने लगता है कॉर्नर्स पे केवल वो होता है सस्पिशियस, और जो रेड डॉट पूरा रेड हो जाता है उसका मतलब है वो कॉम्बैट है, उसको पता लग गया कि कोई ना कोई बंदा इधर है और वो कॉम्बैट के मूड में है उसको किल करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये काफ़ी इन सब चीज़ों में ये काफ़ी अच्छा गेम है। डेवलपमेंट ट्री में आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे आप गेम मिशंस प्ले करोगे आप अपने जो मास्क हुआ, चेस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, जो भी गैजेट्स हुए उन सब चीज़ों को धीरे धीरे आप कर करके अपग्रेड कर सकते हो एक लेवल तक। सेटिंग्स आपको पता ही है, ऑडियो वीडियो कंट्रोलर माउस इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट, अब जर्नल में ही कॉन्टैक्ट टारगेट्स में आप देखोगे इतने सारे टारगेट्स हमें डिस्ट्रॉय करने हैं या इनको हमें किल करना है टारगेट्स को, ये सारे आप मिशंस के अकॉर्डिंग पता लग जाए। कलेक्टिबल्स भी इसमें मायने रखते हैं, तो कलेक्टिबल्स भी देख लीजिएगा आप क्या क्या कलेक्टिबल्स ले सकते हैं। स्टैटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप जो भी प्ले करते हैं, जैसे जितने भी अल्टाई माउंटेन, कोल्चे खाबर, ये जितने भी मिशंस आप कंप्लीट करते हो उसमें आपको बता देता है प्लेइंग टाइम कितना लगा, कितने किल्स किए आपने, हेडशॉट्स कितने थे, लॉन्ग रेंज कितना था, हाईएस्ट लॉन्ग रेंज वाले किल कितने किए, व्हीकल कितने बर्बाद किए, तो ये सारी एक चीज़ है। आपने टोटल किल्स कितने की, ये सारे जितने आप इसमें ग्रोथ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं जैसे इसमें, और लेवल कंप्लीशन भी दिखा देता है कितने परसेंटेज कंप्लीट हुआ है। टोकन रिवार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये टोकन रिवार्ड्स जितने ज़्यादा होंगे आपके पास, आपके जो वेपन्स होंगे उसके जितने भी असेंबली लाइन्स होंगी वो ऑटोमेटिकली अनब्लॉक होती जाएंगी। तो अब आपको ऑलमोस्ट इनकी सारी UI और गेम डेवलपमेंट का पता लग गया है कि कैसे इन गेम को हमें ईजिली प्ले करना है और क्या क्या हमें असेंबली लाइन को यूज़ करनी है, लोड आउट क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सारी चीज़ें आप देख लोगे इसमें। अगर आपको इसका गेम प्ले देखना है तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हो BMODJ पे, एंड देन आप उस पर आके इन सारे 25 मिशंस को आप कम्प्लीटली देख सकते हो उस पर गेम प्ले। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका ट्रेलर भी देख लेते हैं जिससे ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि ये गेम कैसे
होने वाला है।